Hello everyone, in previous video I taught you some question and answer for conversation. Today we will study some more question and answer for effective conversation. पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पढ़े थे बातचीत करने के लिए. आज हम कुछ और क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे अपनी बातचीत को प्रभावशाली बनाने के लिए. What is the taste of sugar, मिठाई, जलेबी, बिस्किट, चॉकलेट, केक, लड्डू? इन सब चीज़ों का टेस्ट, स्वाद कैसा होता है? ये सभी चीज़ें आप खाते हो, कैसा होता है इनका टेस्ट, स्वाद? इनका टेस्ट स्वीट होता है, तो हम इसका आंसर बोलेंगे इट इज़ स्वीट. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्रीम बिस्किट इज स्वीट, चॉकलेट इज स्वीट. वॉट इज द टेस्ट ऑफ चिप्स? चिप्स का टेस्ट कैसा होता है? चिप्स खाते हैं ना आप सब, चिप्स का टेस्ट कैसा होता है? नमकीन. तो चिप्स आर सॉल्टी. वॉट इज द टेस्ट ऑफ लेमन? लेमन का टेस्ट कैसा होता है? लेमन मीन्स नींबू. इट इज सॉर, यह खट्टा होता है. लेमन इज सॉर, हम उस थिंग का यहाँ पर नेम भी बोल सकते हैं इट की जगह पर. वॉट इज द टेस्ट ऑफ ऑरेंजेस, ग्रेप्स, स्वीट लाइम? ऑरेंजेस, ग्रेप्स और स्वीट लाइम का टेस्ट कैसा होता है? इट इज स्वीट एंड सॉर, यह खट्टा और मीठा होता है. वॉट इज द टेस्ट ऑफ समोसा? समोसे का टेस्ट कैसा होता है? इट इज स्पाइसी. स्पाइसी मीन्स मसालेदार. वॉट डज योर टिफिन कंटेन? आपके टिफिन में क्या है? माई टिफिन कंटेन्स, आप जो भी टिफिन में लाते हैं जैसे कि चपाती, वेजिटेबल, या फिर आप वेजिटेबल का नेम जानते हैं तो वो भी बता सकते हैं, जैसे चपाती, लेडी फिंगर, चपाती पम्पकिन, चपाती पोटैटो, या फिर और कोई चीज़ आप टिफ़िन में लाए हैं तो उस चीज़ का यहाँ पर आप नेम बोल सकते हैं. लेकिन आपको सेंटेंस पूरा बोलना है, माई टिफिन कंटेंस. कंटेंस मीन्स मेरे टिफिन में है. वॉट इज़ द डेट टूडे? आज कौन सी डेट है? टूडे इज़, जो भी डेट है आप वो डेट बता सकते हैं. जैसे मान लीजिए अगर आज डेट है 20 अगस्त, तो आप बोल सकते हैं टूडे इज़ 20 अगस्त. Which month is going on? यह कौन सा मंथ चल रहा है? टीचर आपसे क्लास में पूछते हैं या कभी कोई आपसे पूछ सकता है which month is going on, कौन सा मंथ चल रहा है. तो जो भी मंथ चल रहा हो, मंथ मीन्स महीना, तो जो भी मंथ चल रहा हो उसका नाम आप यहाँ पर बता सकते हैं. जैसे अभी चल रहा है अगस्त मंथ, तो हम बोल सकते हैं अगस्त मंथ इज गोइंग ऑन. Which subject are you studying? जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपसे कोई पूछता है आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, Which subject are you studying? I am studying English, हिंदी, EVS, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका नेम आप बोल सकते हैं. Whose copy, pencil, eraser is this? क्लास में कभी कभी आप पूछते हैं ना ये किसकी पेंसिल है, तो आपको इंग्लिश में उसको ऐसे पूछना चाहिए, Whose copy, pencil, eraser is this? This is my copy, this is my pencil. और जो आंसर देता है उसे पूरा ऐसे बोलना चाहिए, यह मेरी पेंसिल है. वो हिंदी में बोलता है मेरी पेंसिल है, मेरी कॉपी है, तो उसको बोलना चाहिए दिस इज़ माई पेंसिल, दिस इज़ माई कॉपी, दिस इज़ माई इरेजर. What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? I am studying, I am playing, I am eating, I am talking. तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं. Where do fishes live? Fishes कहाँ रहती हैं? Fishes live in water. Fishes पानी में रहती हैं, मछलियाँ पानी में रहती हैं. What is your telephone number? आपका टेलीफोन नंबर क्या है? माई टेलीफोन नंबर इज़, मोबाइल नंबर भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर.
माय मोबाइल नंबर इज़, अभी आपके पास तो मोबाइल है नहीं, तो आपके पेरेंट्स का जो मोबाइल नंबर है वो आपको लर्न होना चाहिए, वो आप बता सकते हैं। माय फादर्स मोबाइल नंबर इज़, माय मदर्स मोबाइल नंबर इज़, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर, और नेम देम, एक साल में कितने महीने होते हैं और उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, दे आर, और फिर पूरे मंथ्स के नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे मंथ्स के नेम आपको लर्न भी होने चाहिए और बताने भी आना चाहिए। What do you say when you take something from others? अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए? Thank you. उसको thank you बोलना चाहिए। What do you say when someone tells you thank you? जब आपको कोई thank you बोलता है तो आपको क्या बोलना चाहिए? Welcome. With great pleasure. My pleasure. या तो आप वेलकम बोल सकते हैं, या विद ग्रेट प्लेजर, या फिर माय प्लेजर, तीनों को एक साथ नहीं बोलना है, केवल एक ही बोलना है। 42 नंबर, व्हाट डू यू से व्हेन यू हर्ट समवन, अगर आपसे किसी को चोट लग जाए तो आपको क्या बोलना चाहिए? आई एम सॉरी। व्हाट डू यू से When you yawn, 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 yawn means उबासी लेना, जम्हाई लेना। जब हमें नींद आती है ना, तब हम लेते हैं आलस में मुंह खोल कर, तब हमें बोलना चाहिए excuse me। What do you say when you belch, sneeze, BELCH, belch, belch means डकार लेना, और SNEEZE, sneeze, sneeze means छींकना। जब आप डकार लेते हो या छींकते हो तब आपको बोलना चाहिए excuse me, दोनों समय पर ही आपको excuse me बोलना चाहिए। Who all are there in your family, आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो जो भी आपकी फैमिली में हैं, जैसे my father, my mother, my brother, my sister, इसके अलावा जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जो भी आपकी फैमिली में हैं वो सब आप बता सकते हैं। हु टेक्स केयर ऑफ यू, आपके देखभाल कौन करता है? माई फैमिली मेम्बर्स टेक केयर ऑफ मी, आपकी फैमिली में जो बड़े हैं वो सभी आपकी देखभाल करते हैं, इसलिए आप बता सकते हैं माई फैमिली मेम्बर्स टेक केयर ऑफ मी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे जब आप किसी से बातचीत करेंगे तो इंग्लिश में बोलने में ये आपकी हेल्प करेंगे। आपको इनको लर्न करना है और सीखना है कि कैसे हमें किसी से क्वेश्चन पूछना चाहिए और कैसे उसका फुल सेंटेंस में आंसर देना चाहिए यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो। थैंक यू।